हेलो स्टूडेंट्स, सो 1.1 एक्सरसाइज का मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो आज यहाँ पे सम नंबर 3 हम डिस्कस करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो डिस्कस किया था, यहाँ पे भी हमने जनरल इंडेक्स नंबर निकाला था और आज भी हम जनरल इंडेक्स नंबर निकालने वाले हैं। पहले वाले वीडियो में जो दो सम थे वहाँ पर जो आपको जनरल इंडेक्स नंबर निकालना था, सिर्फ एक चीज़ का निकालना था, जैसे कि एवरेज डेली वेज का और यहाँ पे प्राइस ऑफ शुगर पर किलोग्राम का। लेकिन सम नंबर 3 में हमें वीट, राइस, शुगर इन तीनों का निकालना है जनरल इंडेक्स नंबर। और दो मेथड्स है, फर्स्ट है फिक्स्ड बेस मेथड एंड सेकंड है आपका चेन बेस मेथड। ठीक है, क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। द फॉलोइंग डेटा आर ऑब्टेंड अबाउट द एनुअल एवरेज प्राइस ऑफ वीट, राइस एंड शुगर इन द होलसेल मार्केट ऑफ अ सिटी। फाइंड द जनरल इंडेक्स नंबर ऑफ 3 आइटम्स बाय फिक्स्ड बेस मेथड विथ बेस ईयर 2011 एंड बाय चेन बेस मेथड। तो अब हमें 3 आइटम दी गई है, इन तीनों का जनरल इंडेक्स नंबर हमें निकालना है। ठीक है, तो फॉर्मेट किस तरह से बनाओगे आप, पहले वो डिसाइड कर लेते हैं। तो फॉर्मेट इस तरह से बनेगा, यहाँ पर आप ईयर लिखोगे एंड यहाँ पे आप कमोडिटी लिखोगे। क्लियर, यहाँ पे ईयर, यहाँ पे कमोडिटी। और फर्स्ट हम फिक्स्ड बेस मेथड के साथ सोल्व करने वाले। फिक्स्ड बेस मेथड का फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन करंट ईयर पीरियड, वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन बेस ईयर डिवाइडेड इनटू 100। ठीक है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन करंट ईयर डिवाइडेड बाई वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन बेस ईयर इनटू 100 करना है। तो 2011 का सबसे पहले आप 100 ले लोगे इंडेक्स नंबर। क्लियर, नाउ 2012 में वीट का प्राइस है 18.50 और फिक्स्ड बेस मेथड है, तो हम डिवाइड में क्या लेंगे, बेस ईयर। जो बेस ईयर हमें क्या हो गया है, तो बेस ईयर का क्या है वीट का प्राइस 2011 में 18। सो 18.5 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 100। क्लियर, वैसे ही हम 2013 में जाएंगे, 2013 में प्राइस है 18.19। आप क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, फिर मैं बार बार बुक नहीं रखने वाला हूँ इसकी वजह से। नाउ 2013 में 18.9 वैल्यू है, डिवाइड करेंगे बेस ईयर की वैल्यू 18 इंटू 100। 2014 में वैल्यू है 19 डिवाइडेड बाय बेस ईयर की वैल्यू 18 इंटू 100। 2015 में वैल्यू है 19.5 एंड बेस ईयर की वैल्यू है 18 इंटू 100। अब हम इसे सोल्व कर लेते हैं। सो 18.5 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 100 इक्वल्स टू 102.78। 18.9 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 100 इक्वल्स टू 105। 19 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 100 इक्वल्स टू 105.56। 19.5 इंटू डिवाइडेड बाय 18 इंटू 100 इक्वल्स टू 108.33। सो हमने वीट का जनरल इंडेक्स नंबर हर ईयर का निकाल दिया। इसी तरह हम राइस का भी जनरल इंडेक्स नंबर निकालेंगे। 2011 में हम 100 ही लेंगे, 2012 में हो जाएगा 2012 की वैल्यू 36 डिवाइडेड बाय बेस ईयर की वैल्यू 30 इंटू 100। 2013 में की वैल्यू है 38, बेस ईयर की वैल्यू 30 इंटू 100। 14 में बेस ईयर 14 की वैल्यू है 38, बेस ईयर की वैल्यू है 30 इंटू 100। 2015 में की वैल्यू है 39, बेस ईयर की वैल्यू डिवाइडेड बाय 30 इंटू 100। क्लियर, 36 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 100 120। 38 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 100
38 डिवाइड बाई 30 इंटू 100 126.67 38 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 100 126.67 नाउ 39 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 100 इक्वल्स टू 130। सो हमने राइस की भी जनरल इंडेक्स नंबर निकाल दी। अब हम शुगर की करेंगे। बेस ईयर को हमेशा 100 लेना है। 2012 की वैल्यू है 31 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 100। 2013 की वैल्यू है 32 डिवाइडेड बाई बेस ईयर की वैल्यू 30 इंटू 100। 2014 की वैल्यू है 34 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 100 एंड 2015 की वैल्यू है 36 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 100। 31 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 100 103.33। 32 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 100 106.67। 34 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 100 113.33। 36 डिवाइड बाई 30 इंटू 100 120। सो हमने तीनों आइटम्स का जनरल इंडेक्स नंबर निकाल दिया। अब हम करेंगे सबका टोटल। 2011 का टोटल आ गया 100 100 100 इक्वल्स टू 300। 2012 का टोटल करें तो 102.78 प्लस 120 प्लस 103.33 टोटल आ गया आपका 326.11। इसी तरह हम सबका टोटल करेंगे। क्लियर। 105 प्लस 126.67 प्लस 106.67 टोटल आ गया यहाँ पे 338.34। 105.56 प्लस 126.67 प्लस 113.33 टोटल आ गया 345.56। नाउ 108.33 एक सेकंड 19.5 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 100 108 ही है। 108.33 प्लस 130 प्लस 120 टोटल आपका आ गया 358.33। अब टोटल करने के बाद यहाँ पे हमें जनरल इंडेक्स नंबर सेल का मिल जाएगा। ठीक है, क्या करना है टोटल लिख दीजिए आप सबका। 300 302.11 338.34 345.56 358.33 डिवाइडेड करना है बाय एन। कितने हैं टोटल? 1 2 3। ओके, तो 3 करेंगे तो यहाँ आपका जनरल इंडेक्स नंबर आ गया। इसका आ गया आपका 100 और यहाँ का आएगा 108.70। अब यहाँ का आएगा 338.34 डिवाइडेड बाय 3 112.78। 345.56 डिवाइडेड बाय 3 यहाँ का आएगा 115.19 और 358.33 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो 119.44। तो हमने डिफरेंट कम्युनिटीज़ दी जाए तो किस तरह से जनरल इंडेक्स नंबर निकालेंगे विथ फिक्स्ड बेस मेथड सोल्व किया। अभी इसी सम को हम चेन बेस्ड मेथड के साथ सोल्व करेंगे। सो आपका फॉर्मेट तो वही रहेगा, सिर्फ चेंज होगी तो कैलकुलेशन। लेकिन 2011 में आप वीट राइस और शुगर का 100 ले लीजिए क्योंकि ठीक है फर्स्ट ये चेन बेस में कोई फिक्स्ड बेस मेथड नहीं होता है। मतलब फिक्स्ड बेस ईयर का कोई हम नहीं लेते, हम चेन बेस में फर्स्ट ईयर जो होता है उसी को ही हम क्या ले लेते हैं 100 ले लेते हैं। क्लियर। अब क्या करेंगे, 2012 में की वैल्यू है 18.5 डिवाइड करेंगे प्रीवियस ईयर का 18
इंटू 100, सेम 2013 की वैल्यू है 18.9, डिवाइड करेंगे प्रीवियस ईयर की वैल्यू 18.5 इंटू 100, सेम 2014 में करेंगे 19 की वैल्यू है 2014 की 19 वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर 18.9 इंटू 100, 15 भी वैसे ही करेंगे 19.5 और प्रीवियस ईयर की वैल्यू डिवाइड बाय 19 इंटू 100। वैसे ही हम राइस की भी करेंगे और शुगर की भी करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पे 18.5 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 100 102.78, 18.9 डिवाइडेड बाय 18.5 इंटू 100 ये आपका आ जाएगा 102.16, 19 डिवाइडेड बाय 18.9 इंटू 100 100.53, 19.5 डिवाइडेड बाय 19 इंटू 100 ये आपका आ गया 102.63। अब राइस की हम करेंगे वैल्यू ऐसे ही, तो राइस का आपका आता है 2012 की वैल्यू है 36 डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर 30, ऐसे ही करते जाओ आप 36 डिवाइड बाय 30 इंटू 100, 38 डिवाइडेड बाय 36 इंटू 100, 38 डिवाइडेड बाय 38 इंटू 100 एंड 39 डिवाइडेड बाय 38 इंटू 100, क्लियर। अब डिवाइड कर लेते हैं हम 36 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 100 120, 38 डिवाइडेड बाय 36 इंटू 100 105.56, 38 डिवाइड बाय 38 इंटू 100 ये आपका आ जाएगा 100 और 39 डिवाइडेड बाय 38 इंटू 100 ये आपका आ गया 102.63, क्लियर 63। अब शुगर का भी वैसे ही करेंगे, फर्स्ट वाला 100, सेकंड रहेगा आपका 2012 की वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर इंटू 100, फिर 32 डिवाइडेड बाय 31 इंटू 100, फिर 34 डिवाइडेड बाय 32 इंटू 100, फिर 36 डिवाइडेड बाय 34 इंटू 100, सॉल्व कर देते हैं हम 31 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 100 ये आपका आ गया 103.33, 32 डिवाइड बाय 31 इंटू 100 ये आपका आ गया 103.23, 34 डिवाइड बाय 32 इंटू 100 ये आपका आ गया 106.25, 36 डिवाइड बाय 34 इंटू 100 ये आपका आ गया 105.88। अब सबका टोटल कर दीजिए 300, 102.78 प्लस 120, ठीक है, एंड प्लस 103.33, टोटल आपका आ गया 326.11। अब 102.16 प्लस 105.56 प्लस 103.23, टोटल आपका आ गया 310.95। अब 100.53 प्लस 100 प्लस 106.25, टोटल आपका आ गया 306.78। अब यहाँ पे हम करेंगे, यहाँ का टोटल आया 102.63 प्लस करेंगे 102.63, ठीक है, एंड प्लस करेंगे 105.88, टोटल आया आपका 311.14। सेम करेंगे हम 300, 326.11, 310.95, 306.78 एंड 311.14। अब हमने यहाँ पे सबका टोटल ले लिया है, अब डिवाइड बाय क्या करेंगे 3, वही क्लियर, डिवाइडेड बाय क्या करना है हमें 3 करना है, 300 डिवाइड बाय 3 यहाँ आपका आ जाएगा 100। अब इसका 326.11 डिवाइडेड बाय 3 108.70, 31
310.95 डिवाइडेड बाय 3 103.65 306.78 डिवाइडेड बाय 3 यहाँ पर आपका आ गया 102.26 और ये आपका 311.14 डिवाइडेड बाय 3 ये आपका आ गया 103.71। सो हमने डिफरेंट कमोडिटी को चेन बेस मेथड के साथ सम सोल्व कर दिया और यहाँ पे हमने फिक्स्ड बेस मेथड के साथ सोल्व कर दिया। समझ में आ गया हो तो वेरी गुड, नहीं आया हो तो फिर से एक बार वीडियो रिवाइंड करके देख लीजिए आराम से, बहुत ही इजी सम है और इम्पोर्टेंट सम भी है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर एंड अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज सोल्व करने वाले हैं। थैंक यू।